स्वागत है आपका हमारे कलर्स एक्टिंग एकेडमी में। हमारे साथ हैं सनी कपूर जी, जो बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। आइए हम एक्टिंग से रिलेटेड कुछ सवाल उनसे सीधे ही जानते हैं। सर, आम सवाल जो लोग अक्सर जानते रहते हैं उनसे हटके मैं कुछ अपनी जो जिज्ञासा है एक्टिंग से रिलेटेड, वो मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि एक्टिंग सिर्फ एक कैरेक्टर में ढल के मैंने कुछ एक्ट कर लिया, एक एक्टर के लिए इतना ही एक्टिंग करना काफ़ी होता है या इससे आगे भी कुछ और बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है? एक्चुअली बहुत ज़रूरी, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, क्योंकि आप किसी करेक्टर को अपने अंदर ले आते हैं और एक्टिंग कर लेते हैं, इतना काफ़ी नहीं होता। आप फिल्म के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, टी वी सीरियल के लिए कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं अपने करेक्टरों को कैमरे के सामने जाके कैसा लग रहा है? क्या कैमरा वो चीज़ें दिखा पा रहा है या आप कैमरे में वो चीज़ें दिखा पा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि आदमी नहीं कर पाता, आदमी एक्टिंग खोल के करता है, बहुत अच्छी करता है, लेकिन कैमरे में वो नहीं कर पाता क्योंकि उसको कैमरे की नॉलेज नहीं होती, टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, साउंड की नॉलेज नहीं होती। तो जब एक्टर जो फिल्म एक्टर होता है, एक्टर तो वैसे हर इंसान होता है, जो फिल्म एक्टर होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्टिंग के साथ टेक्निकल चीज़ें भी उसको पूरी तरह जानकारी। मतलब जहाँ तक, जैसे मैं थिएटर बैकग्राउंड से रहा हूँ तो मेरे साथ भी ये चीज़ें कुछ आई थी सामने कि थिएटर पे हम खुल के हाथ पैर अपने दिखा लेते थे, कोई फ्रेम नहीं है, यहाँ जो बात होती है फ्रेम को लेकर होती है, अगर डायरेक्टर ने बोल दिया कि ये फ्रेम रखना है, ये कुछ टेक्निकल नॉलेज है। तो जैसे कि अभी थिएटर पर कुछ लोग वर्क कर लेते हैं, वहाँ से इनको बहुत तारीफ मिल जाती है कि भाई तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, और जब वो यहाँ आके सामने आते हैं, यहाँ पे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, उनको भी कुछ बेसिक फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, तो उनको आप कुछ गाइड करें? दिक्कतें तो आती हैं, मैं भी थिएटर से हूँ, मैं भी जब आया था तो एक करेक्टर को कैसे जिया जाए ये अच्छी तरह, कैसे डायलॉग बोला जाए ये भी अच्छा बात, और भी लोगों को मानते, लेकिन यहाँ एक बंदिश है कैमरे के सामने, कैमरे के सामने डायरेक्टर आपको एक नारा दे देता है, कैमरा मैन एक नारा, आपको इस लाइट यहाँ तक आके बोलना है, वो लाइट आपके ऊपर आएगी, ये लेंस लगा है आपको, इससे ज़्यादा नहीं है, ऐसे तमाम बंदिशें आ जाती हैं। तो जो आप परफॉर्म तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है, अगर नहीं रखेंगे तो आपका परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं तो 50% होता है, और होता है अच्छे अच्छे एक्टर कैमरे के सामने आके 50% ही एक्टिंग करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक साथ आप परफॉर्म भी करें, आप कैमरे का एंगल जो वो भी दें, आप लाइट भी पकड़े, आप मार्क भी ना अपना भूलें, सारी चीज़ें एक साथ एक इंसान को करनी पड़ती है। फिल्म एक्टिंग करनी, ये टेक्निकल एक्टिंग, और जब तक आपको टेक्निकल एक्टिंग नहीं आएगी तो फिल्म में दिखेगा ही नहीं कुछ। मान लीजिए कि हम लोग जैसे थिएटर करते हैं तो थिएटर में ऑडियंस बहुत दूर दूर बैठी है, तो कई बार हम लोग एक्सप्रेशन नहीं देते, सिर्फ वॉइस से हम लोग खेलते हैं, आवाज़ से हमारा वेरिएशन पता चल जाए, लोगों के उतार चढ़ाव सारे वॉइस से, तो वहाँ जो कोने में बैठा, बालकनी में बैठा, उसके आपको एक्सप्रेशन ही दिखे, लेकिन यहाँ जब एक्टिंग करता है वो फिल्म में या टीवी सीरियल में या वेब सीरीज में तो टाइट क्लोज रहता है, यहाँ पर आपके चेहरे के एक एक दाने दिख रहे हैं, आपके पलकों का एक एक बाल दिख रहा है और आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो आप वहाँ थिएटर जैसी एक्टिंग नहीं कर सकते, आपको उस कैमरे के हिसाब से अपना परफॉर्म करना है, और जब आपका टाइट क्लोज रहता है तो आपको हिलना भी नहीं है, 50 तरीके से हर डायरेक्टर की, हर कैमरामैन की अलग अलग टेक्निक होती है, अलग अलग विचार होते हैं, तो वो दायरे में बांध देता है, उस दायरे में बंध के आपको एक्टिंग करनी होती है, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होती है, अगर आप उसमें ट्रेन नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर सकते नहीं है। कुछ लोग ऐसे जो कहना नहीं चाहिए, मेरे सीनियर हैं, बड़े बुरे स्टार हैं, लेकिन वो इसलिए स्टार है क्योंकि उनको ये मालूम है कि मैं जो इस वक्त कर रहा हूँ वो कैमरे में कैसा दिखता है, मैं इस वक्त जो करूँगा ये करूँगा तो कैमरे में मैं बहुत अच्छा लगूंगा, और वो कर जाते हैं, वो आज स्टार। और कई लोग बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं लेकिन कैमरे में वो चीज़ नहीं समझ में आती, लोगों को रिजेक्ट कर देते, और ये आप प्रैक्टिकल गौर से अगर फिल्म लाइफ को देखें तो आपको भी समझ में आए, ये हकीकत है, बहुत सारे एक्टर ऐसे भी होंगे जिनकी एक्टिंग आपको बिल्कुल समझ आती है, थिएटर से एक्टिंग को समझते हैं तो आपको भी लगेगा कि यार ये तो ये इंसान तो एक्टर करता ही नहीं, लेकिन इतना बड़ा स्टार क्यों है, तो उसको वो टेक्निक आती है कि ऑडियंस को क्या पसंद, मैं कैसे खड़ा रहूँगा, कहाँ कैमरा रखा है, तो मैं इस वक्त कैमरे में कैसा लग रहा है,
उसकी एक्टिंग को और निखार दे, तो टेक्निकल नॉलेज उतनी ही जरूरी है जितनी एक्टिंग। मीन्स आप किस एंगल में या किस तरीके से ज्यादा प्रभावी रखते हैं? हाँ, ये शायद ये भी आप सिखाते होंगे। वो हीरोइन थी गरीबी में मर गई, वो ऐसा था, वो भीख मांगते हुए दिखा रहा था, असफलता असफलता हर चीज। बिल्कुल गलत धारणा है कि आप इंग्लिश आना चाहिए। सदाशिव अमरापुरकर मराठी में डाले, उनको मराठी टोन था। कई इंडस्ट्री में एक्टर आज भी ऐसे हैं जिनके टोन में आपको पंजाबी से ऋतिक रोशन को क्या जरूरत थी कि राकेश रोशन उनको ट्रेनिंग लेने। मेरे ख्याल से तो वो सही नहीं है, क्योंकि जो भी नए लोग आते हैं फिल्म में उनसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ।